हमें वेरीफाई करनी है ग्रीन्स थ्योरम इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सो वेयर सी इज़ द क्लोज करय वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जो क्लोज कर्व गिवन है वो आपके पास ये दी हुई है तो ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने ये रही हमें वेरीफाई करना है पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड तो बेसिकली ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट यही कहती है कि ये सिंगल वेरिएबल को डबल वेरिएबल में डबल इंटीग्रल में चेंज कर देती है सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं काफी बार आपके पास ये इंटीग्रल सॉल्व करना इजी होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस इस इंटीग्रल को करने के लिए इसकी जगह पे ये निकाल लेंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन में वेरीफाई पूछा हुआ है तो हम वेरीफाई के परपज से दोनों साइड हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकालनी पड़ेंगी सबसे पहले हम मूव uh, ऑन करते हैं अपने राइट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड में आपके पास बेसिकली क्या है एक कर्व है तो कर्व आप कैसे ड्रॉ करोगे सबसे पहले वाईल टू एक्स ये लाइन दी हुई है ये लाइन मैंने लिख ली वाई टू एक्स और एक दिया हुआ आपके तो आपके पास पास y जब आप को करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगी कर्व ये वन कोम वन पे इंटरसेक्ट करेगी दूसरी कर्व क्या होगी y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ये पैराबोला है आपके पास पैराबोला कंप्लीट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये पैराबोला ठीक है ये वाला पैराबोला तो अब हमें सबसे पहले अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं डबल इंटीग्रल को तो हमें सबसे पहला टास्क क्या होगा कि लिमिट्स निकालनी है लिमिट्स निकालोगे कैसे सबसे पहले वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्र है और यहाँ पे वाई की वैल्यू किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है तो वाई की वैल्यू मूव कर रही है एक्स स्क्र से एक्स और एक्स की वैल्यू मूव कर रही है जीरो से वन क्योंकि ये जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है इसमें एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू वन है उसके बाद जब आपने कंपेयर किया तो आपके पास ये वाला पार्ट आया एम किसके इक्वल आ गया एम आ गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर केक्ल तो कर लैम अपॉन करल वाई किसके इक्वल आ गया ये बनेगा एक्स प्लस टू वाई केक्ल और एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वेयर इक्वल तो कर लैन अपॉन करल एक्स बनेगा टू एक्स ये यह यहाँ से देख सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो जब आपने किया कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स माइनस कर लैमोपोन कर्ल वाई तो जो नंबर बचेगा वो बचेगा एक्स माइनस टू वाई तो यहाँ पे आपके पास है कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स माइनस curl लमो अपॉन कर्ल वाई डी एक्स डी वाई फाइनली जो नंबर बचेगा जब आप इस कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स में से ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस टू वाई तो ये बना, जीरो से वन ये एक्स स्क्वेर से एक्स और ये बनेगा एक्स माइनस टू वाई डी वाई डीएक्स हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करके आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर अब लिमिट्स पुट कर दो एक एक करके एक्स स्क्वेयर से एक्स डी एक्स जब लिमिट पुट किया आपने तो आपके पास बनेगा एक्स स्क् माइनस एक्स स्क्वेयर अपर लिमिट पुट करके ये बन गया लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर फोर ठीक है जीरो से वन डी एक्स तो फाइनली ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास ये बचेगा जीरो से वन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब डीएक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है इसका इंटीग्रेशन होगा वो जब आप सॉल्व करोगे लिमिट्स पुट करोगे वन अपॉइंट फाइव माइनस वन अपॉइंट फोर दैट इज माइनस वन अपॉइंट ट्वेंटी तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना था ठीक है फिर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके आपके पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया माइनस वन बाई ट्वेंटी सो हमने सक्सेसफुली राइट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया अब हमारा टास्क है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो ये जो क्लोज कर्व सीधी हुई है इसे हम ब्रेक करेंगे पहले इसके अलॉन्ग जाएगी कर्व फिर इसके अलॉन्ग जाएगी तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इस चीज़ को भी सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं तो क्वेश्चन आपके पास था कर्व सी दी हुई थी तो ये आपके पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्र डी वाई सो इसे प्लॉट करते हैं ये प्लॉट करके दोबारा से सेम चीज ये आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ठीक है अब सबसे पहले कर्व अगर हम देखें O से लेके A तक ठीक है इसे ब्रेक कर सकते हैं ओ से लेके ए प्लस ए से लेके ओ पे वापिस भी तो आएगी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ए से लेके ओ तक तो सबसे पहले अलोंग ओए बात करते हैं अलोंग ए आपके पास क्या होगा y की वैल्यू होगी x स्क्वायर तो dy की वैल्यू किसके हो इक्वल होगी 2x dx और यहाँ पे ओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 तो एक्स फाइनली कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं जीरो से वन मूव कर रहे हैं एक्स कहाँ से कहाँ जीरो से वन अभी सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है हमें अलोंग ओए में तो अलोंग ओए में आपके पास क्या बनेगा इंटीग्रल जीरो से वन एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर डी एक्स प्लस एक्स स्क्र डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी टू एक्स डी एक्स केयरफुली देखो कि y की जगह पे हमें एक्स पुट कर दिया जब भी हमें वेक्टर इंटीग्रल इंटीग्रल में में इस इसे सॉल्व करना होता है तो हम पूरे को चेंज करते हैं एक सिंगल वेरिएबल जगह पे आ गया 2x एक्स डी एक्स आ गया तो अब इसे इंटीग्रेट करना हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना जब फाइनली इसे इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करोगे वन और जीरो तो आंसर आएगा उन्नीस बटे बीस अब मूव ऑन करते हैं अब इसके अलोंग सॉल्व करना है ए के अलोंग तो ए ओ के अलोंग सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट है आपके पास अलोंग ए ओ तो यहाँ पे y की वैल्यू x के इक्वल दी हुई है तो डीवाई किसके इक्वल हो गया D, के इक्वल तो ये बन जाएगा जीरो से अब यहाँ पे देखने वाली चीज है कि लिमिट x की लिमिट यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है तो ये वे मूव ऑन करेगी वन से जीरो तो ये बहुत ध्यान में रखना है ये वाला पार्ट आपको कि यहाँ पे लिमिट वन से जीरो मूव ऑन करेगी उसके बाद आ, ये आपके पास है एक्स वाई प्लस वाई तो इसमें एक्स पुट करते ना हमें तो फाइनली जब एक्स पुट करोगे तो आपके पास बनेगा एक्स प्लस एक्स स्क्स स्क्स तो ये बनेगा थ्री टाइम्स वन टू जीरो एक्स क्यूब अपॉन थ्री कैंसल आउट हो गया इसका आंसर आ गया माइनस वन तो इन दोनों का सम क्या होगा इक्वल प्लस तो फाइनली आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं तो हेंस हमने ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई कर दिया ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाते हैं ठीक है ऐसे ग्रीन्स थ्योरम को डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि वेरीफाई कीजिए या फिर इवेल्युएट कीजिए यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम सो बेसिक सा क्वेश्चन है आपको पार्शल डायरेविटिव निकालने लिमिट्स निकालनी है डबल इंटीग्रल में अगर आप अलोंग द कर्व सॉल्व कर रहे हो तो आपको कर्फ देखनी है उस कर्व के अकॉर्डिंगली आप पूरे क्वेश्चन को या तो सिंगल वेरिएबल एक्स में चेंज करोगे या डी वाई में चेंज करोगे सो so, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ ग्रीन्स थ्योरम के अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए